चलिए देखिए, मार्केट में एक वूल आई है, आप ये देखेंगे इस तरीके से है, गंगा की फ्लेयर है ये। देखें कितनी सॉफ्ट वूल है और इस तरीके से दिखती है। मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ, ये देखेंगे ये है वूल। अब इसे हम स्वेटर किस तरीके से बनाएंगे, मैं इसमें जो है 7 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर आप ये देखेंगे मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप, 7 नंबर की सिलाई यूज़ की है। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है ये, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब इसे आप बनाएंगे कैसे, यहाँ पे मैंने नीचे 93 स्टिचेस नॉर्मल 7 नंबर की सिलाई से डाला है और इसे एक लाइन सिर्फ फर्स्ट लाइन मैंने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा किया, उसके बाद मैंने इसे एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए गई हूँ। ये देखें ये इसका सीधा साइड है और ये इसका उल्टा साइड है। अब इसे मैं बनाती हुई गई हूँ, नॉर्मल बनाना है क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं इसमें जो है आर्म होल की कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है 21 इंचेस लॉन्ग आया है, ज़्यादा लंबी स्वेटर नहीं बना रही हूँ। अब मैं इसमें जो है वी गले की कटिंग करूँगी, तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी मैं। अब आप देखिए इसका जो है गला मैं वी कर रही हूँ, किस तरीके से करूँगी, 93 स्टिचेस है तो 45 एक तरफ आएगा और 45 एक तरफ 90 हो जाएंगे। अब जो 3 स्टिच है उनको सेंटर में किस तरीके से करूँगी, अब पहले तो हम नॉर्मल 45 स्टिचेस आप ये देखेंगे इस तरीके से आप नॉर्मल बनाएंगे। आप देखिए क्या करूँगी यहाँ पे, ये जो 4 फंदे हैं इनमें से मैं यहाँ से इसे लूँगी, ये देख रहे हैं आप, बैक से 2 फंदे लिए इसे उतारा, इन 2 फंदों को मैंने इस साइड ले लिया और अब मैं इन्हें बनाऊँगी, सिर्फ 2 फंदों को बनाऊँगी, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पे मैंने क्रॉस कर लिया, ये 2 फंदे हमारे इनके साथ बनेंगे, इसे मैंने यहीं पर रहने देना है और पलट के अब मुझे ये बनाना है। अब पहले तो मैं उल्टी लाइन पूरी करूँगी इसकी, आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब उल्टी लाइन पहले पूरी इस तरीके से उल्टी कीजिएगा, अब देखिए लाइन कर ली। अब सीधी लाइन में फिर से हमें यहाँ पे आना है और 2 का 1 करना। आप कैसे करेंगे देखेंगे, पहले ये सारे फंदे आप सीधे बनाएंगे इस तरीके से, अब ये देखिए मैंने जो है यहाँ पे 43 स्टिचेस यानी कि पहले 45 बनाए थे और ये 4 स्टिचेस है, 47 थे तो 4 है, 43 बना लिए। अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है और साथ में इन दोनों को भी आपने 2 का 1 करना है। अब ये जो 2 है ये तो इनके साथ बनेंगे एग्जैक्टली सेम, इस साइड भी आपने वही करना है 2 का 1 और 2 का 1। अब फिर वही उल्टी लाइन आपने पूरी इस तरीके से उल्टी बनानी है, फिर सीधे में आएंगे, अब ये देखिए पूरी लाइन उल्टी करने के बाद सीधे में आए हैं, सीधे में यहाँ पे 3 फंदे हैं। अब इन 3 लास्ट में 3 फंदों में से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है और ये फंदा सीधा बनाना है। अब ये देखेंगे इस तरीके से वी गले का होना शुरू हो गया, उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे फिर से सीधी लाइन में आएंगे। अब हम इसकी जो है हर 3rd लाइन के बाद एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे। अभी तो हमने देखेंगे आप हर सीधी लाइन में नॉर्मल किया था, पहली बार में मैंने 2 किया फिर अगेन 1 किया फिर 1 किया, अब हम हर 3rd लाइन यानी कि उल्टा लाइन सीधा लाइन उल्टी लाइन करने के बाद फिर जो 4th सीधी लाइन आएगी उसमें 2 का 1 करेंगे, इसी तरीके से जैसे हम वी गले का कटिंग करते हैं उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम इसकी फ़िलहाल करते हुए अब जाएंगे। अब देखिए उल्टी लाइन कर ली, अब ये दूसरी लाइन करूँगी तो यहाँ पे घटाऊँगी नहीं, फिर 3री लाइन करूँगी उसके बाद घटाऊँगी। अब ये वाली लाइन हमने पूरी सीधी करनी है ऐसे,
ये देखिए आपकी दूसरी लाइन होगी, इसमें हमने घटाना नहीं है, नॉर्मल सारे फंदे सीधे बनाने हैं। पलट के ये लाइन भी उल्टी बनेगी, इसकी अगली लाइन में घटाना है। ये लाइन आप पूरी उल्टी करेंगे ऐसे, अब देखिए उल्टी लाइन कर ली तो हमारी तीसरी लाइन हो गई। अब हमने यहाँ पे एक फंदे से पहले दो का एक करना है, यानी कि फोर्थ लाइन में ये किया आपने। लास्ट के तीन फंदों तक बनाइएगा सीधा, अब ये देखिएगा आगे यहाँ पे ये तीन फंदे हैं, इनमें से इन दो फंदों को आपने दो का एक कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा सा खोलिएगा इसे, ऐसे करेंगे दो का एक और फिर एक बना लेंगे। ये देखिए आप फिर वही तीन लाइनें करेंगे, फिर से उसी तरीके से यहाँ पे घटाएंगे तो देखेंगे आप ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। और यहाँ भी एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया करना है जो यहाँ पे किया, उसी तरीके से इस साइड भी घटाएंगे। और अब हम इसे वी गला बनाते हुए ऊपर शोल्डर तक इसी तरीके से दोनों साइड जाएंगे। ये मैंने जो है इसका गला बना लिया है, आप ये देखेंगे, ये देखिए दिखाती हूँ आपको कितना आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला नहीं रख रही हूँ, हम यहाँ पे जो है बॉर्डर नहीं बनाएंगे। तो ये देखेंगे आप, ये गला जो है मेरा 7 इंचेस लॉन्ग आया है। और अब इसे मैंने यहीं पे रहने दिया क्योंकि इसको बैक के साथ हम जोड़ेंगे। अब फिलहाल ये सेकंड साइड भी आपको दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए ये आपका दूसरी तरफ है जो आपने घटाना है। घटाने का क्राइटेरिया एग्जैक्टली सेम जैसे हमने यहाँ किया। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एक फंदा जो है इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, ये किया आपने। फिर साथ में हमने इन दोनों का भी दो का एक करना है ऐसे, और उसके बाद पूरी लाइन सीधी और पूरी लाइन उल्टी बनेगी। और फिर अगेन यहाँ पे एक फंदा जो है बंद होगा। पहले पूरी लाइन सीधी कर लेते हैं फिर पूरी लाइन उल्टी कर लेते हैं। अब देखिएगा सीधी लाइन करने के बाद उल्टी लाइन भी कर ली है। अब आपने एक बार पहले तो यहाँ घटाना है, तो पहला फंदा उतारा और इन दोनों को आपने दो का एक किया, फिर पूरी लाइन सीधी पूरी लाइन उल्टी। और इसके बाद हम हर थर्ड लाइन के बाद चौथी लाइन पे एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे, जिस तरीके से उस साइड किया है उसी तरीके से सेम हम करते हुए इसमें जाएंगे। मैं एक लाइन आपको यहाँ पे दिखाती हूँ पहले करके, ये एक लाइन होगी फिर उल्टी लाइन होगी फिर सीधी होगी, उसमें नहीं घटेगा, एंड अगेन जो अगली सीधी आएगी उसमें घटेगा। अब मैं बता देती हूँ कि शोल्डर पे हमने कितने फंदे रखे हैं, ताकि बैक साइड में हमने उतने ही शोल्डर पे रखने हैं। ये देखिएगा ये हो गई सीधी लाइन। इसके बाद आपने उल्टी करनी है, फिर सीधी करनी है, उस सीधी में घटाना नहीं है, फिर उल्टी करनी है, फिर सीधे में यहाँ पे घटाना है, जिस तरीके से एग्जैक्टली सेम आपने यहाँ किया। ये देखेंगे ये देख रहे हैं आप, ये गला ऐसे ही यहाँ पे भी हमने करना है। अब ऊपर कितने फंदे हैं, 36 स्टिचेस जो है आपके यहाँ पे है। अब 36 स्टिचेस है तो बैक में भी उतने ही रहने दूंगी, ये इस साइड भी हम एग्जैक्टली सेम करते हुए जाएंगे, और ऊपर 36 स्टिच होने चाहिए हमारे शोल्डर पे। फिर हमें इसको बैक के साथ जोड़ना है, और बैक में भी थोड़ी सी जो है कटिंग आएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब देखिए आगे इसके बैक की साइड पर, बैक में भी एग्जैक्टली 93 स्टिचेस मैंने डाले, और उसी तरीके से जैसे बताया सेम वैसा करती हुई गई हूँ। 2 इंच रह गया है हमारे जो है फ्रंट के साइड आने में। अब करना क्या है आपने, यहाँ पे हम इसको गले की कटिंग देंगे। 36 स्टिचेस यहाँ रहेंगे, बाकी सारे स्टिचेस बंद होंगे 36 यहाँ, यानी कि 72, 93 में से 72 निकालेंगे, बाकी सेंटर में एक एक करके बंद कर देंगे। और उसके बाद इसको 2 इंच तक हम बनाएंगे, जब तक ये जो है 25 इंच का टोटल में नहीं हो जाता है। तो देखेंगे आप, ऐसे किया आपने, पहले हम 36 स्टिचेस बनाएंगे,
ये देखिएगा, ये आपके 36 स्टिचेस है। अब यहाँ से मैं सेंटर के बंद करूँगी और यहाँ 36 रहने दूँगी। बंद का क्राइटेरिया वही है, बनाया आपने ऐसे, बैक से इस वाले फंदे को आपने उठा के इसमें उतार देना है। फिर ये बनाया, फिर ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, सारे फंदे आप ऐसे ही करेंगे। देखिएगा सेंटर के इस तरीके से बंद कर दिए और ये वाले आपने नॉर्मल बनाने हैं। अब हमें दोनों साइड इसके थोड़े लाइनें, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए जाना है, यानी कि फ्रंट के बराबर ना हो जाए। तब तक मैं इसे नॉर्मल बनाऊंगी और उसके बाद इसको फ्रंट के साथ जोड़ दूंगी। देखिए अब आप ये देखिए आगे पीछे का एग्जैक्टली बन गया, बैक का इतना इसका कर्व आया है। अब मैं इन्हें आपस में जो है जिस तरीके से हम जोड़ते हैं वैसे ही ऐसे इसके शोल्डर्स दोनों के जो है जोड़ दूंगी। ये इसके साथ जोड़ूंगी और ये इसके साथ जोड़ूंगी इसी तरीके से। अब इसको पहले सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इसके शोल्डर्स जोड़ेंगे। शोल्डर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपको नहीं आता हो शोल्डर को जोड़ना तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखेंगे आप, इस तरीके से पहले मैं इसके शोल्डर्स को जोड़ दूंगी। अब देखिएगा आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। यहाँ पे मैंने 36 स्टिचेस डाले हैं, 36, और बाजू पे मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। और ये बॉर्डर जो है मैंने यहाँ पे कम से कम आप ये देखेंगे 2.5 इंच के आसपास बना हुआ है, 2.5 इंच। अब मैं क्या करूँगी, बलून वाला बनाना है क्योंकि आजकल लड़कियाँ ज़्यादातर वही पहनते हैं। तो मैंने क्या किया, 36 स्टिचेस है, पहला फंदा उतारा और एक फंदा यहाँ पे ऐसे डाल दिया, फिर एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा डाल दिया ऐसे, फिर एक फंदा बनाया, एक फंदा डाला। अब पूरी सिलाई में मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, एक फंदा बना रही हूँ और एक फंदे को मैं जो है डाल रही हूँ। ये देखेंगे आप, ये बनाया, ये डाला, ये बनाया, ये डाला, पूरे आप स्टिचेस इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब देखिए लास्ट तक मैंने इसी तरीके से कर दिया, यानी कि हमारे डबल फंदे हो गए पूरे। अब इसके बाद आपने ये उल्टी लाइन के बाद कम से कम 4 लाइनें एक सीधी एक उल्टी की बनानी है लाइन पूरी। उसके बाद बताती हूँ कि थोड़ा सा एक बार और बढ़ाएंगे ताकि ये थोड़ा सा खुला हुआ जो है बाजू आए। अब फिलहाल मैं इसमें ये उल्टी लाइन के बाद 4 लाइनें एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी की जो है करूँगी। अब आप ये देखिए 4 लाइनें कर ली है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा सा मुझे लगता है और बढ़ाना है तो मैं 4 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा दूँगी। 3, 4, ये बनाया आपने, एक फंदा आपने बना दिया, बढ़ा दिया, फिर 1, 2, 3, 4, अगेन एक फंदा बढ़ा दिया ऐसे, 1, 2, 3, 4, फिर एक फंदा इस तरीके से डाला आपने, यानी कि मैं हर 4 फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये बलून टाइप क्या खुला हो जाएगा। आजकल काफ़ी स्वेटर चली हैं लड़कियों की खुली वाली, तो उससे उसी तरीके से बनेगा। और इसके बाद जो डलने के बाद हमने एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी जो है करते हुए जानी है ऊपर ऊपर तक, क्योंकि इसमें आर्म होल नहीं कटेगा तो ये थोड़ा सा लंबा ही बनेगा। अब देखिए इस तरीके से आपने बढ़ा लिए जैसे मैंने बताया। और उसके बाद आपने अब क्या करना है कि एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी बनाते हुए इसमें जाना है। दोनों बाजू सेम बनेगी और आपको इसे आर्म होल नहीं कटिंग होगी तो इसलिए इसे हमने थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा ही बनाना है। अब जहाँ तक आपकी बाजू की लंबाई होगी आप उसे अपने उसमें नाप के ही इसे लंबा बनाएंगे। फिलहाल हम इसे एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, कितना बनाया है मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई इसकी ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 इंचज लॉन्ग। देखेंगे आप 24 इंच जो है बना है और कोई बढ़ाया नहीं, कहीं कुछ नहीं किया है, ना बढ़ाया है ना घटाया है। अब जस्ट हम इसे एक लाइन में बंद कर देंगे और एक लाइन में बंद करने के बाद इसे हम
फ्रंट और बैक जो हमने जोड़ दिया था उसके साथ जो है जोड़ेंगे। आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक एक फंदा बनाते हुए इसे बंद करना है। अब देखिए नॉर्मल सीधा बंद करना है, ना कहीं घटाना है ना कुछ करना है। ऐसे बनाया, ये डाल दिया ऊपर से, फिर बनाया ये बैक कर दिया, फिर बनाया ये बैक कर दिया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से दोनों बाजू के बंद करने हैं सेम, एंड देन इसको हम उसके साथ जोड़ देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से बंद होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ऑलरेडी एक जो है बंद करके रखा है, ये बाजू है, ये देखिएगा। अब ये इसका जो यहाँ का पोर्शन है, ये एक साइड अगर आप डबल करते हैं तो एक साइड 9 इंच आ रहा है, 9 इंचेस है। अब ये 10 इंचेस 11 इंचेस आप अपने हिसाब से जो है रख सकते हैं। देखेंगे ये आ रहा है आपका 9.5, 9 भी नहीं है, 9.5 इंचेस है, यानी कि आप गोलाई में देखेंगे तो 19 इंचेस है। अब इसको आपने क्या करना है, जो हमने ये फ्रंट जो है बना दिया है इसका, ये देखेंगे ये फ्रंट है, फ्रंट एंड बैक है जो हमने शोल्डर्स जोड़ लिए थे इस तरीके से। अब जस्ट आपने ये ऐसे रखना है इस तरीके से, और बाजू को आपने जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ ऐसे रखेंगे, और फिर नॉर्मल जिस तरीके से जोड़ते हैं आप उस तरीके से इसे जोड़ लेंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी। तो चलिए पहले जोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा आएगा इसका लुक। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल भी लिया है, ये देखेंगे आप। और ये आपका बच्चे का स्वेटर जो है, आजकल ये नई ऊन चली है, इसका तैयार हो गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूँ कि जो मैंने बच्चे के लिए बनाया है उसमें ये थोड़ा सा जो है ढीला सा रह गया, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक पतली सी जो है इलास्टिक लूँगी और इसमें लगा दूँगी ताकि ये और थोड़ा सा टाइट हो जाए, और ये बलून की तरह जो दिखता है आजकल जो खुले से बाजू पहनते हैं बलून टाइप, वो ये और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक पतली सी इलास्टिक लूँगी और अंदर से इसके साथ जो है सुई के साथ उसे लगा दूँगी। तो आपका ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका इस तरीके से बच्चे का स्वेटर तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।